जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो दोस्तों, टाटा आईपीएल 2022 में खेला गया बेहद ही रोमांचक मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। जी दोस्तों, यह मुकाबला जो कि लखनऊ सुपर जायंट ने जीत लिया है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। तो दोस्तों, इसके बाद से पॉइंट्स टेबल में उथल पुथल से मच गई है। तो दोस्तों, क्या है लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल और कौन बनाया है टाटा आईपीएल 2022 में अभी तक सबसे ज्यादा रन और कौन लिया है टाटा आईपीएल 2022 में सबसे ज्यादा विकेट, इसी के बारे में आगे चर्चा करने वाले है। वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। करें लखनऊ सुपर जायंट और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला का, तो दोस्तों बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट ने रोमांचक मुकाबला में दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेटों से हरा दिया है। जी दोस्तों, जीत के हीरो रहे लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से क्विंटन डिकॉक और आयुष बडोनी। जी दोस्तों, आयुष बडोनी जो कि अंतिम में आकर शानदार मैच को फिनिश किए। तो दोस्तों, इसके बाद से पॉइंट टेबल के क्या है यार, तो दोस्तों बता दें कि नंबर एक पर है कोलकाता नाइट राइडर्स। जी दोस्तों, 4 मुकाबला खेली है, 1 हारी है और पॉइंट से 6। वहीं दोस्तों बता दें कि नंबर दो पर आ गई है अब लखनऊ सुपर जायंट। जी दोस्तों, 4 मुकाबले खेली है, 3 जीती है, 1 हारी है और पॉइंट से 6। वहीं दोस्तों नंबर 3 पर अब है राजस्थान रॉयल्स। जी दोस्तों, 3 मुकाबले खेली है, 2 जीती है, 1 हारी है और पॉइंट से 4। वहीं दोस्तों नंबर 4 पर आ गया है गुजरात टाइटंस, 2 मुकाबले खेले, दोनों मुकाबला जीता है गुजरात टाइटंस और पॉइंट से 4। वहीं दोस्तों नंबर 5 पर है पंजाब किंग्स। जी दोस्तों, 3 मुकाबला खेला है, 2 मुकाबला जीता है, 1 मुकाबला हारा है और पॉइंट से 4। वहीं दोस्तों नंबर 6 पर है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। जी दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु 3 मुकाबला खेला है, 2 मुकाबला जीता है, 1 मुकाबला हारा है और पॉइंट से 4। बात करें नंबर 7 पर है दिल्ली कैपिटल्स। जी दोस्तों, 3 मुकाबला खेला है, 1 जीता है, 2 हारा है और पॉइंट से 2। वहीं दोस्तों नंबर 8 पर है चेन्नई सुपर किंग, 3 मुकाबला खेला है, 3 मुकाबला हार गया है। वहीं दोस्तों नंबर 9 पर है मुंबई इंडियंस, 3 मुकाबले खेले हैं मुंबई इंडियंस और 3 मुकाबला हार गया है। वहीं दोस्तों नंबर 10 और अंतिम स्थान पर है सनराइजर हैदराबाद, 2 मुकाबला खेला है, 2 मुकाबला हार गया है। वहीं दोस्तों बात करें टाटा आईपीएल 2022 में सबसे ज़्यादा रन बनने वाले 3 बल्लेबाजों के, तो दोस्तों नंबर 1 पर है जॉस बटलर जो कि 205 रन अभी तक बना चुके हैं। वहीं दोस्तों बता दें कि नंबर 2 पर ईशान किशन जो कि 149 रन अभी तक बना चुके हैं। वहीं दोस्तों नंबर 3 पर है फाफ डुपारी दोस्तों जो कि अभी तक 122 रन बना चुके हैं। वहीं दोस्तों बात करें टाटा आईपीएल 2022 में 3 सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज का अभी तक, तो दोस्तों वह है नंबर 1 पर उमेश यादव, 9 विकेट ले चुके हैं। इसके अलावा नंबर 2 पर है युजवेंद्र चहल जो कि 7 विकेट ले चुके हैं अभी तक। वहीं दोस्तों नंबर 3 पर है आवेश खान। जी दोस्तों, आवेश खान भी 7 विकेट लिए हैं। तो दोस्तों यह है टोटली खबर टाटा आईपीएल 2022 से जुड़ा हुआ। तो दोस्तों आपको यह खबर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं दोस्तों यह खबर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।